अल्लाह ही अल्लाह छा गया, चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद। तमामी हजरात, मस्जिद की घड़ी के मुताबिक 2:15 हो रहे हैं। सभी हजरात से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द उठ जाएं और सहरी का इंतज़ाम करें। छोड़ने नहीं है, अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, और तुम जाओ जाओ बेटा, तुम 2 की बासी रोटी को भी लेकर आओ, हम उसी से खा करके रमजान रखेंगे। अबू जान लो, ले आया। लाओ बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हजरात, इस वक्त 3:45 हो चुके हैं, अब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ। सभी हजरात रोज़े की नियत कर लें। बेटा, इमाम साहब ने ऐलान लगा दिया है सहरी का टाइम अब ख़त्म हुआ, हम लोग नियत कर लेते हैं रोज़े की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वे शो में गदिन नवे तो मिन शहरे रमदवान। हाँ बेटा, अब ये रोजे की नियत हो गई है, ठीक है। अब कुछ देर में अजान हो जाएगी और हम लोग नमाज पढ़ने के लिए चलेंगे। जी अब्बू जान। बेटे जी अब्बू
अपनी अम्मी जान से बोलो जी, वो भी नमाज पढ़ लेंगी, अजान होने वाली है जी। ठीक है, जाइए बेटा। चलना चाहिए नमाज के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह हमारी नमाज को कबूल अता फरमा। या लौहुल आलमीन हम पे जो परेशानी है हमारी परेशानियों को दूर कर दे। या लौहुल आलमीन इस कोरोना बीमारी को हमारे देश से भगा दे। जिस दम में वापसी हो अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे सोनू बेटा। हाँ पुजान। बेटा सुनो। हाँ पुज। मैं आज काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी हमारा काम लगा दे। जी अब्बू मैं भी दुआ मांगूंगा तुम्हारा काम लग जाए। हाँ बेटा हम बहुत दिन से परेशान हैं। ठीक है, हम जाते हैं और तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा तुम्हारे लिए मैं कपड़े दिला दूंगा। ठीक है, अल्लाह से दुआ करना बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कुछ काम मिलेगा? इस टाइम तो कोरोना चल रहा है, इस टाइम तो काम हम आपको नहीं दे पाएंगे।
भाईजान बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए भाईजान, मेरे बच्चों को कपड़े भी नहीं बने और ईद का टाइम चल रहा है भाईजान, खुदा के वास्ते मुझे काम दे दीजिएगा भाई। नहीं भाईजान, इस टाइम तो काम मिल ही नहीं सकता, कोरोना चल रहा है, कपड़े नहीं बने हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है भाईजान, प्लीज पर नहीं दे पाएंगे हम काम, नहीं दे पाएंगे, जाइए आप यहाँ। या अल्लाह, आज तो कहीं काम भी नहीं लगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपने बेटे को, कह रहा था अब्बू जान कपड़े लेके आना, चलो देखता हूँ और कहीं काम लग जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम भाईजान, कुछ काम मिलेगा? नहीं इस टाइम नहीं मिलेगा, इस टाइम कोई काम नहीं भाईजान, डॉक्टर बात करो, कोरोना चला तो पता नहीं भाईजान, प्लीज कई दिन हो गए मुझे काम नहीं मिल रहा है और मेरे बच्चों के कपड़े भी नहीं मिले हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह के वास्ते मुझे काम दीजिएगा। इस टाइम कोई काम नहीं, कोरोना चल रहा है, जाइए आप। क्या परवरदिगार, क्या मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों के कपड़े कैसे हो गए? अबूजान आ रहे होंगे कपड़े लेके, पैसे कमा के? नहीं बेटा, कहीं काम नहीं मिला कि इस जगह मैं गया था, लेकिन बेटा सबने मना कर दिया कि कोरोना चल रहा है, हम कोरोना में काम नहीं कराएंगे इस बार बेटे, हमें ही नहीं कपड़ों में ईद मनानी। बेटे रोती नहीं है, अल्लाह को यही मंजूर है, हमें जिस हाल में अल्लाह रखेगा हमें रहना पड़ेगा बेटे, रोती नहीं है, हम इस साल इन्हीं कपड़ों में ही रहो। बेटे देखो गेट पर बाहर कोई है। अच्छा अब्बू जान, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब्बू जी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हो गया साहब? ठीक जी, बस ठीक है भाईजान। क्या बात है, कैसे हो बेटा, क्या बात है? बस ठीक हूं भाईजान, आज मुझे कोई काम नहीं दे रहा, ईद का दिन करीब, मेरे बच्चों को कपड़े भी नहीं बने के भाईजान, इसलिए बस मुझे मालूम पड़ा था मोहल्ले में आप बैठे अपने काम के लिए, आपसे किसी ने काम नहीं किया, फिर ऊपर से ये मालूम पड़ा कि आपके बच्चे के कपड़े वगैरह इतना उदास हो गया आपका बच्चा, और इसके लिए काम के मारे आप दर दर भटक रहे हो, मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ने जो लिख दिया, अल्लाह पे भरोसा रखो, जो होना है वो ही होगा, सो आपको इसमें मायूस मत हो, आप घबराइए मत। जफर भाई, अगर भाईजान अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके बच्चे के आपके लिए कपड़े लेके आया हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो। नहीं भाईजान, कोई ये मेरा बच्चा है, आप मेरे भाई हो शेख जी, आप किसी बात की फिक्र मत करो, मुझे भी कुछ अल्लाह ने ही कोई ऐसा जरिया बना के भेजा है, ठीक है भाईजान, पहले बैठिए आप, रो मत, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये कोरोना वायरस जब से चल रहा है तो इसने सबकी काम की बाट लगा दी। जफर भाई जी, भाईजान कपड़े दीजिए, रोना मत है ना, किसी बात की फिक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, बस रोजे रखो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा हमारी इंशाल्लाह, इस कोरोना वायरस को भी दुनिया से नष्ट नाबूद कर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है ठीक है, बैठिए भाईजान। नहीं बस चल रहे हैं साहब, चेक जी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए आप अपना ध्यान रखें, ठीक है फिर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई,
लो बेटा ये हाँ। कपड़े और अब पहन लेना इन्हें। अल्लाह ने हमारे लिए इनके लिए एक रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा था और हमारे उस परवरदिगार ने सुन ली है। अल्लाह ऐसे इंसानों को हमेशा हमेशा सलामत रखे जो गरीबों की दुआएं लेते हैं। रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों को हमेशा सलामत रखे। ठीक है बेटा जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जैसे आज हम पे परेशानी आई और कोई इस कोरोना की वजह से किसी ने मुझे काम नहीं दिया, तो प्लीज ऐसी दिक्कत अगर आप पे कभी आती है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। अल्लाह को हर हाल में आपको याद करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो प्लीज हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज बता दे बेटे, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट जरूर करना। हाँ, तो हमारा चैनल है लकी इंडिया 5G, तो प्लीज कीजिए सपोर्ट दिल से। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।